इंडिया नमस्ते भारत। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नया अपडेट है क्यूआर कोड और ऑनलाइन पेमेंट को लेके। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों क्यूआर कोड का यूज़ हम कब करते हैं? क्यूआर कोड का यूज़ तभी हम करते हैं जब हमें किसी को पे करना है। तब हम पेटीएम, तब हम गूगल पे, फ़ोनपे, SBI पे का यूज़ करते हैं जब हमें किसी को पे करना है। तो दोस्तों SBI का यही नया अपडेट है कि भैया कोई भी QR कोड को स्कैन मत करिएगा जिसमें आपको ये बताया जाए कि पैसा आपको मिलेगा। पैसा देने के बजाय पैसा आपको मिलेगा। हम सब जानते हैं दोस्तों कि ये कोरोना का पीरियड है और हालात इंडिया में क्या हैं, तो इसको लेके बहुत सारे फ्रॉड और स्कैम लिंक शेयर किए जा रहे हैं। इसीलिए SBI ने अपडेट किया है कि ऐसा कोई भी QR कोड को स्कैन नहीं करना है जिसमें आपको ये मैसेज आए कि आप स्कैन करेंगे तो पैसा आपके अकाउंट में आएगा। दोस्तों अगर आपने ऐसा किया तो आपको केवल मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि आपका इतना अमाउंट डेबिट हो चुका है। इसीलिए दोस्तों कोई भी QR कोड को स्कैन नहीं करना है जिसमें हमें ये बताया जाए कि आपको पैसा मिलेगा। पैसा देने के बजाय आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आप फ्रॉड में फंस जाएंगे, स्पैम में फंस जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, ध्यान दीजिएगा और इंडिया का ध्यान रखिए दोस्तों।